फोन इन फरमाइश के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। फोन इन फरमाइश। मैं मौला कुर्सी पार से विष्णुराम यादव बोल रहा हूँ सर। विष्णु राम जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, अभी कुर्सी पार का क्या मौसम कैसा है मोहला का? बहुत गर्मी है सर, गाँव में शादी का माहौल बहुत जोर से है सर इन समय में। शादी का माहौल जोरदार चल रहा है जी जी। तो आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं शादी में? अभी तो मैं गया नहीं हूँ सर, फिर देखूंगा एक दोबारा ये कांकर से क्षेत्र जाने वाला हूँ। तो वहाँ बारात जो है वो किस तरह की गाड़ी में लेकर जाते हैं लोग? बारात तो ऐसे जाते हैं सर, पिकअप वगैरह से जाते हैं, ऐसी कोई बस वैसे नहीं जाते सर। पिकअप वगैरह में जब लोग जाते हैं तो जरा सावधानी रखें, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को भर दिया जाता है ना। और जो भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो उस ड्राइवर से भी कंफर्म कर लें कि उसने कोई नशा वगैरह तो नहीं किया है ना। जी, तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? फिल्म का नाम है जिगर है सर, प्यार की कागज से दिल की कलम से। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। आजा तुझे मैं बताऊं, यूं ही
फोन इन फरमाइश। नमस्कार भैया। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? कचनारी बालाघाट से मुकुंद निषाद बोल रहे हैं। मुकुंद निषाद जी कचनारी बालाघाट के रहने वाले हैं, तो ये जो कचनारी है भाई, ये कितने दूर है बालाघाट से? 120 किलोमीटर दूरी पर है। किस तरह का माहौल है वहाँ का, किस तरह की जगह है जहाँ आप रहते हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। हमारे पास गांव के आसपास ही मलाजखाना देखने योग्य डामर कारखाना है यहाँ पर। जी, डामर का कारखाना है और मलाजखंड की खदान है ना? हाँ। तो अभी वहाँ पर मौसम गर्मी का शुरू हो चुका है या फिर गर्मी आने में वहाँ समय है? गर्मी अभी हल्का से आया है, लेकिन सुबह टाइम 3 बजे के करीब ठंड भी लगता है। अच्छा, सुबह टाइम। तो आप क्या करते हैं वैसे, दिन भर करते क्या है आप? मैं मार्केट जाता हूँ बाजार मिठाई बेचने के लिए। अच्छा, क्या बेचते हैं आप? मैं जलेबी है, खारा है, बूंदी है। अरे वाह, प्रकार से मिठाई बेचता हूँ। जलेबी का नाम लेकर तो आपने हमारे मुंह में पानी ला दिया भाई। तो आपकी जलेबी तो बहुत दूर दूर के लोग आकर खाते होंगे गांव में, है ना? हाँ, नहीं जी, गांव नहीं, मैं बाजार में बेचता हूँ, गांव में बेचता हूँ, लेकिन मार्केट में बेचता हूँ पूरे हफ्ता में 5 दिन। जी जी, तो चलिए कभी कभी हमें मौका मिलेगा तो आपके गांव में आकर हम आपकी बनाई हुई जलेबी खाएंगे। तो बताइए, जलेबी खिलाते हुए कौन सा गाना सुनाना चाहते हैं आप? फिल्म बरसात का है। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा, दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा, ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा, ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा, दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। पाएंगे
मोहब्बत झुक नहीं सकती जमाने के झुकाने से, मोहब्बत मिट नहीं सकती जमाने के मिटाने से। कहता नहीं है दिल करके दिखाएगा, तूफान में चाहत की शम्मा जलाएगा, ये जुर्म वफा दिल तो सौ बार करेगा, ये जुर्म वफा दिल तो सौ बार करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा, दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा, ये प्यार में धड़का है ये प्यार से धड़केगा, ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं डॉक्टर सितारे बोल रहा हूँ, बिहार के वैशाली जिले से। अच्छा, आप डॉक्टर हैं क्या? जी जनरल फिजिशियन हूँ। अच्छा, जनरल फिजिशियन है आप। तो उतना ही पैर पसारता हूँ जितनी बड़ी चादर होती है, समझ में नहीं आता तो पटना रेफर कर देता हूँ। क्या बात है। तो भाई ये बताइए डॉक्टर साहब, आप पहली बार इस कार्यक्रम में फोन कर रहे हैं क्या वैशाली से? जी पहली बार, बहुत दिन से लालसा थी। तो ये वैशाली में आप कहाँ रहते हैं? वैशाली मुजफ्फरपुर के बीच में जगह है, गुरौल। अच्छा, तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताइए भाई, वैशाली के बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है। वैशाली लिखिए राजाओं की राजधानी थी जी, बहुत गिरफ्ताना एरिया है। हाँ? स्टेशन है यहाँ, सुख सुविधा का साधन है, अस्पताल है जी, हाई स्कूल है, कॉलेज है, सब चीज है, कॉलेज है, सब चीज है। तो आप रेडियो स्टेशन बहुत सुनते हैं, कौन कौन से स्टेशन सुनते हैं आप? हम सुनते हैं शिमला सुनता हूँ, आपके यहाँ सुनता हूँ कश्मीर। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते हुए रेडियो सुन लेते हैं डॉक्टर साहब? जी जी, अभी जो आंख में लेंस लगाया हुआ तो रेडियो का सहारा लेके घर पर ही रह रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है, आप यूं ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? फिल्म सरस्वती चंद्र का। कौन सा? फूल से जी भर फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं लाल चंद बक्षाल, ग्राम दूरा, गणेशपुरी, कारियाम, जिला गौरेला, पिंडरा मरवाही से बोल रहा हूँ। महोदय आपको सादर प्रणाम कर रहा हूँ। नमस्कार लालचंद जी, क्या करते हैं आप? मैं महोदय दोनों हाथों से विकलांग हूँ, रेडियो सुन के ही मेरा मनोरंजन होता है जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो लालचंद जी, आप रेडियो में केवल आकाशवाणी रायपुर के ही कार्यक्रम सुनते हैं या दूसरे आकाशवाणी भी सुनते हैं? महोदय जी, मैं आकाशवाणी अंबिकापुर भी सुनता हूँ, आकाशवाणी बिलासपुर भी सुनता हूँ जी, और रायपुर वाले प्रोग्राम तो सभी अच्छे लगते हैं, खास करके छत्तीसगढ़ी जो आता है वो तो और बहुत ही सुंदर रहता है, और आपका भी जो रविवार को पेश होता है वाला कार्यक्रम, ये भी बहुत सराहनीय अच्छा लगता है। कितने सालों से आप रेडियो सुन रहे हैं? मैं रेडियो बचपन से सुन रहा हूँ महोदय जी, जब मैं तीसरी पढ़ रहा था सबसे रेडियो का शौक। आज तो खैर मोबाइल ऐप से बढ़िया सुनने को मिल रहा है, पहले पैरामाउंट बाजा जो आता था बड़ा बड़ा बाक्सा टाइप का, उससे सुनते सुनते मैं आ रहा हूँ। तो कौन से सन की बात है जब आपने रेडियो सुनना शुरू किया था? मैं रेडियो सुनना चालू किया था 1993 से। चलिए तो बहुत अच्छा लगा, आप यूं ही हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। तो बताइए आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
मैं पहले अपने परिवार का थोड़ा नाम लूंगा महोदय जी, बहुत दिन में लगता है, गांव एरिया है हमारे, जो जंगल एरिया में बसा हुआ है गांव। बताइए नाम बोलिए। गौतम, विनोद, दुर्गेश, प्रियंका, छोटू, करण, सुशांत, साहिल, प्रियंका, मुस्कान और मेरा घर वाली राधा और मीना साली जी, सबके पसंद के सुना दीजिए होली का कोई भी गाना, बागवान का अगर मिल जाता है तो बागवान का सुना दीजिए। तो सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म बागवान का होली का ये गाना। मन से मन का मेल जो हो तो रंग से मिल जाए रंग, हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महारान में तीरा यवत में होरी खेल रघुवीरा, अरे होरी खेल रघुवीरा यवत में होरी खेल रघुवीरा, शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई देखे नहीं अपनी उमरिया, देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया, देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया, उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है, बाहों में भर के मुझे फोन इन फरमाइश। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
ग्राम मोकला तहसील देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश से रघुवीर पंडा बोल रहे हैं। कैसे हैं रघुवीर जी? बढ़िया है सर। क्या करते हैं आप? छोटी सी दुकानदारी देख रहे हैं जी। काहे की दुकान है आपकी? किराने की। अच्छा रघुवीर जी, अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आप बताइए आप जब भी इलेक्शन होते हैं वोट डालने जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते हैं वोट डालने, वो तो अपना अधिकार है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के बारे में? नहीं इस बारे में यही कहेंगे कि भाई अच्छे सांसद या विधायकों को चुनना चाहिए, वोट डालना बहुत जरूरी भी है। और वोट देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई किसी प्रकार के दबाव में नहीं आओ, बिल्कुल किसी की लापरवाही बातों में नहीं, अपने दिमाग से जो उचित उम्मीदवार उसी को चुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही रघुवीर जी आपने। तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? फिल्म नवा खलाल का है, पग घुंघरू बांधवी नाची थी किशोर की आवाज में, किशोर कुमार। हिट हुआ था ये गीत अपने जमाने में, पप्पी लहड़ी साहब का बहुत अच्छा संगीत है इसमें। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से झूके 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 रे, के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हा, के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। सा 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 गगर रे सा नी 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 सा सा सा, सा 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 गगर रे सा नी 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 सा सा सा, गग ग पापा मम्मा का रे 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 ग ग ग, पानी सा मा पानी मा पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं, उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना, लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना।
वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो, पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी, पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी हाँ, के पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी। फोन इन फरमाइश। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं मनोज डोंगरे बोल रहा हूँ सर जी, दल्ली राजरा से। दल्ली राजरा में रहते हैं आप मनोज जी, क्या करते हैं मनोज जी आप? सर अभी तो मैं ऑनलाइन मार्केटिंग वाला काम कर रहा हूँ सर जी। अच्छा, तो रेडियो सुनने के लिए समय निकाल लेते हैं? हाँ निकाल लेता हूँ सर जी, बिल्कुल सर। तो आपका ऑनलाइन मार्केटिंग वाला जो काम है ये एक जगह बैठकर ही करते हैं या इधर उधर घूमना फिरना? हाँ सर एक जगह बैठकर ही करता हूँ सर, घर से ही करता हूँ सर मैं। तो बताइए मनोज जी, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है? हाँ सर जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव सामने है सर। तो आप वोट देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर जी बिल्कुल। आपके इलाके में वैसे वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ बिल्कुल सर जी, प्रत्येक घर से सब लोग सभी सदस्य जाते हैं। जाते हैं ना? तो, जी। तो इस बार भी मतदान की तारीख का ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो वोट देने के लिए समय जरूर निकालिएगा, ठीक है? जी सर, जी, तो सर। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर मुझे विवाह फिल्म का गाना सुना दीजिए सर, हमारे शादी में अभी बाकी हफ्ते चार सौ बरस लगे, ये दिन कैसे होंगे पार? आपकी शादी कर सकता मैं? आपकी शादी हो गई कि नहीं? नहीं नहीं हुई है सर जी, लेकिन ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो गाना सुनने के बाद कुछ उम्मीद करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, है ना? मुझे बहुत पसंद है सर ये, जब से मैं 8-9 साल का था तब से ये गाना पसंद है सर। लेकिन अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, है ना? नहीं नहीं सर, तो बस इस देखो 2024 के लास्ट में। तो चलिए चलिए इस गाने को सुनने के बाद शायद आपकी किस्मत का सितारा चमक जाए, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार सौ बरस लगे, ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे पहना दे पहना दे, आज ही पहना दे तेरी गोरी बाहों का हार, प्लेन उतार मजे ससुराल के लू, महीना पूरा वहां गुजार उसे लेकर लौटू, संग लेकर लौटू उसे लेकर लौटू, मैं जिसका इकलौता हकदार पूनम।
की हुजूरी एक पल की मुझसे अब तो सही न जाए काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए उसको देखते ही अचानक देखते ही उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए हो पूनम हो जानम हो पूनम हो जानम हो हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार महीने बीत गए ये दिन भी हो जाएंगे पार न फिर तरसाऊंगी और करवा के इंतजार मैं यूं पहना दूंगी ऐसे पहना दूंगी हफ्ते पहना दूंगी तुम्हें अपनी बाहों का हार साजन हो पालन हो साजन हो फोन इन फरमाइश हेलो नमस्कार सर जी नमस्कार मैं ग्राम धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ वी पूनम नायडू भाई पूनम जी आप बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हैं बातचीत करते हुए क्या कारण है बताइए नहीं सर जी मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ सर जी और सामने वाले को भी हमेशा प्रसन्न देखना चाहती हूँ और उनको प्रसन्न करती रहती हूँ सर जी बहुत बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है तो मैं कि स्कूल में प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की शिक्षिका हूँ सर जी तो जी। बच्चों के साथ हमेशा रहती हूँ मुझे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है सर जी बहुत अच्छी बात है और बच्चों को आपकी तरह की ही टीचर की जरूरत है तो रेडियो सुनने के लिए समय कैसे निकाल लेती हैं आप जब हम घर पे रहते हैं तो सर जी हमारा पूरा परिवार संगीत प्रेमी है सर जी रेडियो प्रेमी है हमारे घर में पिछले 60-70 साल से रेडियो चल रही है सर जी मेरे नाना नानी दादा दादी के जमाने से सर जी और हम भी अभी रेडियो के ही दीवाने हैं सर जी हर कार्य जो है हम लोग संगीत सुनते हुए ही करते हैं बहुत अच्छी बात है तो रेडियो भी आपके यहाँ काफी पुराना होगा सेट हाँ पुराना भी है नया भी है अब तो मोबाइल आ गया है तो सर जी हम कहीं भी सुन सकते हैं ये चलिए अच्छी बात है तो कितने रेडियो होंगे आपके घर में तीन है सर जी तीन रेडियो है ना तो वो भी आपके घर में मेंबर की तरह आपके साथ रहते हैं है ना हाँ हमेशा सर जी रात को 12 बजे तक सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक चलते ही रहता है सर जी तो कौन सा गीत सुनेंगी आप बताइए फिल्म का नाम है हम आपके दिल में रहते हैं उस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे सर जी गीत के बोल? बोल है चेहरा आँख चल लगा लो सनम ये वाला गीत सर जी तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत लगा लो सनम सुर्ख चेहरे पे जुल्फे गिरा लो सनम जरा आंखों में काजल लगा लो सनम सुर्ख चेहरे पे जुल्फे गिरा लो सनम तेरे गालों पे जो काला दिल है वही मेरा दिल है वही मेरा दिल है वही मेरा दिल है वही मेरा दिल है तेरी बातों ने ऐसा किया है असर शर्म से छुप रही है मेरी ये नजर तेरी बातों ने ऐसा किया है असर शर्म से छुप रही है मेरी
लगा लो सनम सुर्ख चेहरे पे जुल्फे गिरा लो सनम तेरे गालों पे जो काला तिल है वही मेरा दिल है वही मेरा दिल है वही मेरा दिल है वही मेरा दिल है फोन इन फरमाइश जी मैं शैल गुप्ता कसारी दूरबीन से बात कर रही हूँ क्या करती हैं आप शैल गुप्ता जी जी मैं सिलाई कढ़ाई अच्छा और बैग वगैरह बनाने का कार्य करती हूँ अपने घर में ही दुकान है तो शैल जी हमारे कार्यक्रम आप कौन कौन से सुन पाते हैं आकाशवाणी रायपुर के आकाशवाणी रायपुर में तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं हम जो सुनते हैं शाम के समय में पत्र मिला बुधवार के दिन आता है और बच्चों का किसला वगैरह सभी कार्यक्रम आप सुनते हैं हाँ सभी कार्यक्रम सुनती हूँ सवेरे में भजन है चिंतन है जी 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 तो ये चिंतन तो बहुत दिनों से जुड़ी हूँ सर जी जी तो चिंतन के पहले वंदना भी आप सुबह से सुन लेती होंगी हाँ वंदना भी सुनती हूँ और क्या कहते हैं मानसान जी तो ये बताइए आपकी तरह के व्यस्त लोगों को सुबह जल्दी उठाने में रेडियो की क्या भूमिका है अरे बहुत अच्छी भूमिका है हम तो 5 बजे उठ जाते हैं वैसे रेडियो सुनने के नाम है ना नहीं दुकान है ना सर जी बाजू में स्कूल है 7 बजे स्कूल लगता है चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप फिल्म का नाम है जय संतोष सीमा और गाने के बोल है मैं तो आरती उतारू रे संतोष सीमा तक तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये भक्ति गीत मैं तो आरती
फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं डॉक्टर सितारे बोल रहा हूँ, बिहार के वैशाली जिले से। अच्छा, आप डॉक्टर हैं क्या? जी जनरल फिजिशियन हूँ। अच्छा, जनरल फिजिशियन है आप। तो उतना ही पैर पसारता हूँ, जितनी बड़ी चादर होती है समझ में नहीं आता तो पसीना में रेफर कर देता हूँ। क्या बात है। तो भाई ये बताइए डॉक्टर साहब, आप पहली बार इस कार्यक्रम में फोन कर रहे हैं क्या वैशाली से? जी पहली बार, बहुत दिन से लालसा थी। तो ये वैशाली में आप कहाँ रहते हैं? वैशाली मुजफ्फरपुर के बीच में जगह है, गुरौल। अच्छा, तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताइए भाई। वैशाली के बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है। वैशाली लिखिए राजाओं की राजधानी थी जी। बहुत गिरफ्ताना एरिया है। हाँ? स्टेशन है यहाँ, सुख सुविधा का साधन है, अस्पताल है जी, हाई स्कूल है, कॉलेज है, सब चीज है। तो आप रेडियो स्टेशन बहुत सुनते हैं, कौन कौन से स्टेशन सुनते हैं आप? हम सुनते हैं शिमला सुनता हूँ, आपके यहाँ सुनता हूँ कश्मीर। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते हुए रेडियो सुन लेते हैं डॉक्टर साहब? जी जी, अभी जो आँख में लेंस लगाया हुआ तो रेडियो का सहारा लेके घर पर ही रह रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है, आप यूं ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? फिल्म सरस्वती चंद्र का। कौन सा? फूल तुमने भेजा है खत में। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये नगमा। सागर में मोती प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती।
प्रीत बढ़ाकर भूल जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फोन इन फरमाइश। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं श्यामू कश्यप बोल रहा हूँ सर, बराही से। श्यामू कश्यप जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। ये बराही कहाँ पर पड़ता है? बिलासपुर जिले है सर। विकास खंड तखतपुर है, 5 किलोमीटर दूर है। क्या करते हैं आप श्यामू जी? बस सर, घर में रहते हैं। और रेडियो सुनते हैं? रेडियो सुनता है, बहुत पुराना सर। तो आपकी बराही के बारे में कुछ बताइए, आसपास कुछ खास है वहाँ घूमने लायक? हाँ सर, हमारे पाड़बाव का मंदिर है सर, बहुत बहुत बेहतरीन है जगह। बाहर बाहर पूरा दर्शन के लिए आते हैं, मनोकामना पूरा होते सर। ऐसा ना? हाँ। तो चलिए, अच्छी बात है, कभी मौका मिलेगा तो हम आएंगे उधर। तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप? मोहरा पिक्चर का नौ गजरे का हार वाला। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। गजरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार ना मोतियों के हार,
ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। फोन इन फरमाइश। सर जी मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ। सर जी नमस्कार। वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। बताइए इन दिनों क्या चल रहा है? सर जी अभी हम गर्मी धान डाले हैं और उसी का देखभाल कर रहे हैं। सर जी जो भी है कुछ बीमारी आ जाता है उसका पूछ कर इलाज करवा रहे हैं धान का। अभी लोकसभा का चुनाव नजदीक है, ठीक है जी सर? जी सर। और आप भी वोट डालने जाते होंगे? जी सर, जी सर। तो मैं तो 62 वर्ष का हो गया हूँ सर जी, पुराना श्रोता भी हूँ। तो आपके इलाके में वैसे जब भी चुनाव होता है वहाँ पर मतदान की क्या स्थिति रहती है? हमारे यहाँ तो शांतिपूर्वक मतदान होता है सर जी। और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने जाते हैं कि नहीं? जी जी बहुत वोट डालते हैं सर जी। जो हमारे मतदान केंद्र है ना, तो वहाँ तो हमारे लगभग 70-80% मतदान होता है सर। बिल्कुल। और लोगों को मतदान के लिए आप प्रेरित भी करते रहिएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ताकि सर जी, सभी हम तो बोलते ही रहते हैं सर जी, मतदान हमारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा जो मतदान है उसका सही उपयोग करो, किसी के बहकावे में न आओ, ऐसे अपना सलाह मशवरा करते रहते हैं। बिल्कुल। तमाम तरह के प्रलोभन और बहकावे से बचकर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए मतदान करें। तो बताइए वर्मा जी कौन सा गीत सुनेंगे आप? फिल्म साथी है सर जी और गाना है साथी कोई भूला याद आया, ऐसे करके है गाना सर। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।